हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उनकी लोकेशन वही है ना? चेंज तो नहीं हुई? नहीं, लेकिन हमें जल्दी चलना होगा। इसके पहले अपना फोन स्विच ऑफ करते। भगा भगा। अपर्णा? जी पापा। समीर कहाँ है? पापा वो भैया बाहर ही है। अब तक बाहर टहल रहा है, खत्म नहीं उसकी आवारागर्दी। उसके चक्कर में सब जगह रहते हैं। अपर्णा जा बुला ला उसे। जा ना बुला उसे। बोल पापा गुस्सा कर रहे। तुझे ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। तू बस कल 11 बजे पहुंच जाना। कितने बजे? 11 बजे। हाँ, तू यहाँ क्या कर रही है? चुप चुप की मेरी बातें सुन रही है तू? मुझे कोई शौक नहीं तेरी बातें सुनने का। पापा गुस्सा हो रहे थे इसलिए नीचे बुलाने आई थी। बहुत खुशी हो रही होगी तुझे तो। जा मैं आ रहा हूं। साला 2 मिनट का चैन नहीं है इस घर में। जा। तैयार हो? समीर मुझे बहुत डर लग रहा है। समीर हम रहने देते हैं ना? यार तुम्हें एक बात कितनी बार समझानी पड़ती है, इतना 10 बार समझा चुका हूँ मैं। समीर मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैं ये बच्चा रखना चाहती हूँ। मुझे अबॉर्शन नहीं करना है। फिर क्या करेंगे हम? देखो निकिता, अबॉर्शन मैं भी नहीं चाहता, पर मैं तुम्हें वजह 10 बार बता चुका हूँ और ये हमारे लिए सही नहीं है, खासतौर से तुम्हारे लिए। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, प्लीज। निकिता रेडी है? हाँ। प्लीज आइए मेरे साथ। चाहो निकिता, मैं यहीं हूँ। प्लीज चलिए। डोंट वरी, गो, डोंट वरी। हेलो, हाँ आज मिल सकते हो? जरूरी काम है, जल्द से जल्द पूरा कर। एड्रेस फोटो के पीछे, ये ले 50,000 एडवांस, बाकी काम होने के बाद। ठीक है? काम हो जाएगा, जो कुछ होगा मेरी आंखों के सामने होगा। ठीक है। क्या यार इतनी देर लगा दी? पता कब से वेट कर रहा हूँ। अब आ गया ना, सब तैयार है, बस शिकार करना बाकी। जब सर पर जुनून सवार होता है तो इंसान किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है, जुनून गलत को सही करने का। लेकिन क्या जुनून में सही और गलत का फर्क समझा जा सकता है? क्या ये समझने की क्षमता होती है कि सही और गलत के बीच की लकीर क्या है और हम कब खुद उस लकीर को पार कर रहे हैं? 23 तारीख देर रात समीर जायसवाल अपने घर से निकलता है किसी की गलती को सुधारने के लिए।
लेकिन वो खुद घर वापस नहीं लौटता। अगली सुबह शुरुआत होती है एक ऐसे केस की जो कई चौंकाने वाली बातें सामने लाने वाला था। सर, मेरा बेटा समीर जायसवाल है, कल रात 12 बजे के करीब वो घर से गया है, अब तक लौट के नहीं आया। फोन किया था? हाँ सर, सबसे पहले फोन ही किया। सुबह सुबह कहाँ चला गया ये? फोन लगाओ उसे। जी पापा। अजीब है ये लड़का, जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं उसे। लो, फोन तो यही है उसका। पर पापा, कल रात को मैंने भैया को अपना फोन ले जाते हुए देखा है। पर वो तो कभी अपना फोन छोड़कर नहीं जाता, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। देखिए, अभी 5 ही बजे और आपका बेटा समीर अडल्ट है, हो सकता है किसी दोस्त के यहाँ रह गया और अपना फोन गलती से घर भूल गया। आपने समीर के दोस्त और अपने सभी रिश्तेदारों से फोन करके पूछा? आपको क्या लगता है सर, हम यूं ही उठ के आ गए? सुबह से ढूंढ ही रहे उसे। क्षितिज, समीर तुम्हारे साथ भी नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं उसके बाकी दोस्तों से पूछता हूँ। मम्मी आप टेंशन मत लो, भैया आ जाएंगे। हेलो अविनाश बेटा, बेटा समीर कल रात से घर नहीं लौटा है, तुम्हें कुछ पता है? समीर को आखिरी बार किसने देखा था? मैंने सर, कल रात भैया को बाहर जाते मैंने ही देखा। सर मुझे लगा था भैया वापस आ जाएंगे, इसलिए मैं भी जाकर सो गई थी, पर जब सुबह उठ के देखा तो भैया आए ही नहीं थे, तब जाके मैंने मम्मी पापा को जगाया था। सर हमने अपने सोसाइटी के गार्ड से भी पूछा था। नहीं तो समीर भैया को मैंने रात में कहीं जाते हुए देखा ही नहीं। ये क्या देखेगा, काम चोर कहीं का, सोता रहता ड्यूटी पर। जायसवाल जी आज रात इंतजार कर लेते, हो सकता है खुद लौटा है। सर मैं कह रही हूँ ना आपको, हमें बिना बताए समीर इतनी देर तक कभी घर से बाहर नहीं रहता और अपना फोन छोड़कर तो कभी नहीं जाता। ठीक है, हम समीर की फोटो इंदौर के सभी पुलिस स्टेशन के साथ साथ आसपास के शहरों में भिजवा देते। ठीक है, एक फोटो पेट्रोलिंग टीम को भेजो। समीर करता क्या? सर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बोर्ड में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता है। कोई गर्लफ्रेंड? सर मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, उन्हें सही गलत की समझ दी है, वैसी घटिया हरकत कभी नहीं करे। सर पेट्रोलिंग टीम को इन्फॉर्म कर दिया और हॉस्पिटल्स में भी पता करवा रहा हूँ कि कहीं कोई एक्सीडेंट का केस तो नहीं आया, और जिन दोस्तों के कॉन्टैक्ट नंबर मिले थे उन सभी से मैंने बात की, उन सभी ने वही बोला जो उन्होंने मोहन जी को कहा था, किसी को कोई आइडिया नहीं है। सर अभी 24 घंटे भी नहीं बीते, आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए? ठीक है, वेट करते हैं, अगर सुबह तक नहीं लौटा तो समीर के ऑफिस में बात करो। इस समीर के फादर के रिएक्शन को देखकर तो ऐसी लगता है कि समीर शायद अपनी मर्जी से कहीं चला गया हो। परिवार की तरफ से की गई एक मिसिंग कंप्लेंट एक अजीब केस में तब्दील होने वाली थी जिसमें कई किरदार जुड़ने वाले थे। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा था पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और उलझती जा रही थी। दीपक तुम और समीर काफी अच्छे दोस्त हो, मैं तुमसे काफी कुछ शेयर करता हूँ, तुम्हें पता है वो कहाँ जा सकता है? सर ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो कुछ दिनों से परेशान है सर। किस बात को लेकर परेशान है? उसकी फैमिली में ऐसा कुछ? नहीं नहीं सर, उसकी फैमिली को तो शायद पता ही नहीं होगा, मैं जानता हूँ उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो गया, काफ़ी मूडी हो गया सर। अभी कुछ दिन पहले ही आके उसने मुझसे झगड़ा कर लिया था। किस बात पर झगड़ा किया था? सर झगड़ा तो बहुत छोटी बात पर हुआ था, लेकिन उसके बाद वो मेरे पास आया मुझसे माफ़ी मांगने, और मैंने उससे खुल के पूछा। यार दीपक आई एम सॉरी यार, मैं तुझे बताऊं पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, फालतू में गुस्सा आता रहता है, इरिटेट होकर मैंने तुझसे फालतू में झगड़ा कर लिया, बल्कि कोई बात ही नहीं थी। समीर तू ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम है तो बता, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। नहीं यार कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं बताना चाहता है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी काउंसलर से मिल, किसी से तो बात कर जो तुझे लगता है समझेगा। एक काम कर, ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ले ले, कहीं छुट्टी पे चला जाना। तो सही बोल रहा है यार, मुझे ब्रेक लेना चाहिए, ये नौकरी छोड़ देता हूँ यार, इसी के कारण सब हो रहा है। नहीं मैं रेजिग्नेशन दे देता हूँ। ये एग्जैक्टली कब की बात है? सर एक हफ्ते पहले की। कोई लड़की वड़की का चक्कर, अफेयर ब्रेकअप वगैरह ऐसा कुछ? पता नहीं सर, उसने बताया तो नहीं। सर मुझे समीर के लिए बहुत डर लग रहा है, वो डिप्रेशन में है, कहीं सच में तो वो सब कुछ छोड़ के नहीं चला गया सर। हाँ कुमार बोलो। सर समीर की पड़ोसी सुशीला जी, उनका कहना है कि उन्होंने उस रात करीब 1 बजे समीर को बाहर जाते हुए देखा था, उस वक्त वो जाग रही थी। ओके। क्या कहा पुलिस ने, समीर मिल जाएगा ना? ढूंढ रहे वो लोग समीर को।
आप टेंशन मत लीजिए, पुलिस अपना काम कर रही है। मैम मैं आती हूँ। मैंने बोला था ना तुम मुझे कॉल मत करना, तुम इसे लगातार फोन करते रहोगे तो मम्मी पापा को मुझ पे शक हो जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन जब भी बात करनी होगी मैं तुम्हें कॉल करूँगी, तुम मुझे कॉल मत करना। उस रात मेरे सर में काफ़ी दर्द था तो मैं अपनी बालकनी में गई कि खुले में अच्छा लगेगा, तभी मैंने रोड पर समीर को देखा। आपने देखा था कार में और कौन था? नहीं वो तो नहीं देख पाई, लेकिन लाल रंग की छोटी कार थी। कौन सी कार थी, मॉडल वगैरह कुछ याद है? नहीं इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। सर यहाँ सोसाइटी में एक सीसीटीवी कैमरा है मेन गेट पर। सर मैंने एक टीम को मेन रोड पर पूछताछ के लिए भेजा, हो सकता है वहाँ से कुछ हाथ लग जाए। नहीं सर, हम उसके जितने दोस्तों को जानते हैं उसमें से किसी के पास भी रेड कलर की छोटी कार नहीं। आप जानते हैं उसके किसी ऐसे जानने वाले को जिसके पास रेड हैचबैक कार हो? नहीं सर। हमें पता चला कि समीर काफी परेशान था, शायद डिप्रेशन में था, वो अपनी जॉब भी छोड़ने की सोच रहा था। समीर किसी बात से परेशान था और उसने हमें बताया तक नहीं? बकवास है ये, कोई डिप्रेशन विप्रेशन में नहीं था समीर, वो जॉब क्यों छोड़ेगा और हमें बताएगा क्यों नहीं? शायद आपके इसी बर्ताव की वजह से उसने आपको कुछ ना बताया। आप ये कहना चाह रहे कि वो मेरी वजह से घर छोड़ के चला गया? ये कहानी शायद आप इसलिए बना रहे ताकि आपको उसे ढूंढना ना पड़े, है ना? क्या तुम बता सकती हो कि समीर किस बात से परेशान था? तो रोज बात करते हैं ना, हाँ एक दिन नहीं होगी तो कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी, समझ में आ रही तुमको? निकिता बॉशन मैं भी नहीं चाहता, पर ये सही नहीं है हमारे लिए और खास तौर से तुम्हारे लिए। ये देखिए सर, समीर रात को 12:50 पे फोन पे बात करते हुए बिल्डिंग से बाहर निकलता और फिर 5 मिनट के कॉल के बाद वापस बिल्डिंग के अंदर जाता और फिर 5 मिनट बाद वापस बिल्डिंग के बाहर आता। मतलब शायद समीर सिर्फ अपना फोन छोड़ने के लिए घर गया था। समीर के कॉल रिकॉर्ड्स मंगाओ और पता करो कि फोन घर पर छोड़ने से पहले ये किससे बात कर रहा था, इसके डिप्रेशन के बारे में फैमिली का क्या कहना है? सर उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और समीर के पिता वो तो एक अलग ही टिपिकल बाप के कैरेक्टर है, उनके हिसाब से तो उनके बेटे को ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सिर्फ डिप्रेशन को लेकर नहीं, उनका तो समीर के अफेयर के बारे में भी यही कहना कि उनके बेटे समीर का कहीं अफेयर हो ही नहीं सकता। सर कहीं समीर अपने बाप से तंग आके खुद से तो कहीं नहीं चला गया? आपको लगता है समीर हमसे परेशान था, हमें छोड़कर जाना चाहता था? ऐसा कुछ नहीं है सरिता, ये सब पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है। समीर मेरा बेटा है, मैं सब कुछ नहीं कर सकता। सर समीर के फोन से आखिरी कॉल 12:50 पे निकिता सिंह नाम की लड़की को किया गया था। समीर के पिछले एक महीने कॉल रिकॉर्ड्स देखे तो पता चला कि रोज रात को निकिता सिंह से बात करता था। ज्यादातर कॉल रात 11 बजे किए गए हैं और 1-1 घंटा बात हुई, लेकिन 23 तारीख को जो कॉल हुई उसकी ड्यूरेशन महज 3:40 और ये कॉल 12:50 पर। सर ये वही कॉल है जो सीसीटीवी में दिखा था, मुझे गर्लफ्रेंड ही लग रही और समीर की फैमिली को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, या फिर शायद फैमिली को छुपा रही है। इस निकिता से पूछते हैं, माजरा क्या? पुलिस ने क्यों बुलाया तुम्हें, तूने कुछ किया है? नहीं पापा, बार बार एक ही चीज क्यों पूछे जा रहे हो, कुछ किया होता तो आपको साथ लेकर जाती क्या? तो फिर पुलिस क्यों बुला रही है? नहीं पता मुझे, हुई होगी कोई गलतफहमी इसलिए बुला रहे हैं। इसे कैसे जानती है? ये तो समीर है, इसके बारे में पूछने के लिए आपने मेरी बेटी को यहाँ क्यों बुलाया? क्या किया इसने? समीर लापता। क्या कब से? 23 तारीख की सुबह से, और समीर की आखिरी बार बात आपसे हुई थी 12:50। सर वो हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैंने तो ये समझाया था ये लड़का ठीक नहीं है, दूर रह इससे। सर आप मुझे बात करने दीजिए प्लीज, आप बाहर बैठिए प्लीज।
उस रात समीर से क्या बात हुई थी आपकी? सर कुछ खास नहीं, वही रोज की तरह नॉर्मल। रोज तो नॉर्मल एक घंटा बात होती थी, लेकिन उस रात सिर्फ 3 मिनट 40 सेकंड बात हुई, क्यों? अरे यार तुमको बोला ना यार कुछ काम है, तुम समझ ही नहीं रही हो। रात के 1 बजे क्या जरूरी काम है समीर, हमें यही तो टाइम मिलता है बात करने का, और इसमें भी तुम्हें? हाँ तो रोज बात करते हैं ना, एक दिन नहीं होगी तो कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी, समझ में आ रही तुमको? साफ साफ बोलो ना कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है अवॉइड कर रहा हूँ, जो सोचना है सोचो, अभी मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है, ठीक है? फोन रख रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है रख दो, पर मेरी भी एक बात याद रखना, मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगी, और तुम्हारा फोन भी तब उठाऊंगी जब मेरा बात करने का मन होगा। ओके उसने बताया क्या जरूरी काम था? नहीं सर, मुझे लगा वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है, इसलिए बहाने बना रहा है। आपको ऐसा क्यों लगा? सर क्योंकि पिछले कुछ दिन से वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। किस बात को लेकर इतना परेशान? आपसे कुछ शेयर किया? नहीं, पर सर अगर कुछ भी सीरियस होता तो समीर मुझे जरूर बताता। समीर की फैमिली को जानती हैं? शायद फैमिली में कोई प्रॉब्लम? सर बस इतना पता है कि समीर को हमेशा से लगता है कि उसके पापा हमारी शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे। सर ये हो ही नहीं सकता कि समीर का अफेयर हो, उसे अच्छी तरह बताया कि मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। लड़की का नाम निकिता सिंह, आपको भी नहीं पता? आप समीर की छोटी बहन है, आपको पता होगा। नहीं सर मुझे कुछ नहीं पता। सर समीर कहाँ है, कुछ खबर मिली उसकी? अभी तक तो नहीं, पर हमें लगता है कि समीर अपनी मर्जी से घर छोड़कर कहीं चला गया, वो परेशान था, उसे डर था कि आप उसके और निकिता के रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे। नहीं बेटा, समीर ऐसा कर ही नहीं सकता, वो मेरा बेटा है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। जायसवाल जी, या तो आपको सच दिख नहीं रहा या फिर आप सच देखना ही नहीं चाहते। सर अगर ये सच है तो प्लीज ढूंढिए मेरे समीर को। सरिता जी हम समीर को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने समीर की फोटो सब जगह भिजवा दी, कहीं ना कहीं से कोई खबर जरूर आएगी। सर सर वही लड़का है जिसकी इंदौर के मलकुंज नगर पुलिस स्टेशन से डिटेल आई है, 2 दिन पहले इसके नाम से वहां मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है। फौरन इन्फॉर्म करो। जी सर। एलएनसी हॉस्पिटल, वहां क्यों आना है? हमें एक डेड बॉडी मिली है मोहन, आप लोग एक बार आके देख लीजिए कि वो समीर है या नहीं। सर समीर की गर्लफ्रेंड निकिता भी पीतमपुरा में रहती है जहाँ समीर की लाश मिली। समीर की आखिरी बार फोन पे बात निकिता से हुई, उसके बाद उसका मर्डर हो गया, तो क्या मुमकिन है कि फोन पे झगड़े के बाद समीर निकिता से मिलने जा रहा और फिर वो अपना फोन घर पे क्यों छोड़ के गया? और एक बात सर, समीर से बात होने के बाद 23 अक्टूबर की रात को निकिता का फोन स्विच ऑफ हुआ और उसके बाद सुबह 8 बजे जाकर स्विच ऑन होता। समीर अपना फोन घर पे छोड़ देता, निकिता अपना फोन स्विच ऑफ करती, क्या दोनों उस दिन घर से भागने वाले थे? लेकिन निकिता को भागना नहीं होगा, वो समीर से पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए उसने समीर का मर्डर कर दिया, या फिर यहाँ पे कुछ और ही हो रहा था। समीर जायसवाल मिसिंग केस अब समीर जायसवाल मर्डर केस बन चुका था। कुछ लीड्स पुलिस के पास थी मगर कुछ और सवाल भी थे जो उन्हें घेरे हुए थे, अब भी कई सच थे जो सामने आने वाले थे, ऐसे कई राज जो बेपर्दा होने की इंतजार में थे। मैं समीर से प्यार करती थी सर, मैं उसे क्यों मारूंगी? अक्सर 10 में से 8 मर्डर का मोटिव प्यार मोहब्बत ही होता। उस रात समीर आपसे मिलने आया, आप दोनों में झगड़ा हुआ, झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया और आपने समीर का मर्डर कर दिया। नहीं सर, मैं उस रात समीर से नहीं मिली थी, हमारी सिर्फ फोन पे बात हुई थी और मैंने गुस्से में फोन काट दिया था, तब सोचा नहीं था कि मैं आखिरी बार आवाज सुन रही हूँ उसकी और इसके बाद कभी उसे देख भी नहीं पाऊंगी। फिर आपका फोन सारी रात ऑफ क्यों था जो अगले दिन ऑन हो? और मैं तुम्हारा फोन भी तब उठाऊंगी जब मेरा बात करने का मन होगा। ओके सर, समीर का फोन काटने के बाद फोन की बैटरी लो दिखा रहा था तो मैंने फोन चार्जिंग पे लगाया और सोने चली गई। जब सुबह उठ के देखा तो पता चला कि फोन स्विच ऑफ है। सर मैं गुस्से में चार्जर का स्विच ऑन करना भूल गई थी और करीब 8 बजे मैंने फोन स्विच ऑन किया। आपको लगता है आप हमें ये बेसिर पैर की कहानी सुनाएंगी, पर हम यकीन कर लें आपके समीर से हर रोज रात को बात होती थी, एक एक घंटा बात होती थी, नहीं? लेकिन 23 तारीख को सिर्फ 3 मिनट 40 सेकंड बात हुई, क्यों? क्योंकि आप दोनों का झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद आपने अपना फोन स्विच ऑफ किया, उसके बाद समीर पीतमपुरा पहुंचा जहां आपका घर है और अगली दोपहर को समीर की लाश मिलती, लेकिन आपको इस बारे में कुछ नहीं पता। सर मुझे नहीं पता, मैं सच बोल रही हूं। आप सच नहीं भी बोलेंगी तब भी हम सच का पता लगा लेंगे। अली
क्या पता चला समीर के बारे में? खुद ही देख लीजिए साहब, माजरा कुछ अजीब है। जिस तरह से केस दिख रहा है वैसा है नहीं साहब। यही घर है और ये रही लाल गाड़ी साहब। चल बोल, समीर को क्यों मारा? किसने सफारी दी थी? बोल। साहब मैं कब से बोल रहा हूँ, मैंने समीर को नहीं मारा, उल्टा समीर ने मुझे 2 लाख की सफारी दी थी। साले खेल खेले हमारे साथ? नहीं साहब, समीर ने मुझे एक बंदे की फोटो दिखाई थी और बोला था कि इसका गेम बचाना है। ये ले 50,000 एडवांस, बाकी काम होने के बाद। किसका फोटो दिया था? नाम पता नहीं साहब, एक लड़के की फोटो थी। नाम नहीं पता लेकिन तो उन्हें सुपारी उठा ली। सीधा सीधा बोल वरना तेरा काम बिना सुपारी के हो जाएगा। साहब किसी को मारने के लिए नाम जाने की क्या जरूरत है साहब, फोटो काफी थी। पर 3 दिन बाद समीर ने सुपारी कैंसिल कर दी। अबे यार, मैंने आदमी ढूंढ के रखा है मारने के लिए और अब तू मर्डर के लिए मना कर रहा है? हाँ तो आप उस आदमी को नहीं मरवाना मुझको, और पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है। रख वो 50,000, बस काम भूल जा। साहब बिना कुछ किए मुझे 50,000 रुपए मिल गए तो मैं क्यों मारूंगा उसको? समीर ने तो जो जिसकी सुपारी दी थी उसकी फोटो कहाँ? साहब सुपारी कैंसिल हुई तो मैंने फोटो फेंक दी, क्या करता मैं फोटो का? तेरे पास फोटो नहीं है। नाम तुझे नहीं। साहब साहब साहब, पर मैं उसका पता जानता हूँ। समीर उसका नाम नहीं दिया था लेकिन पता दिया था। यही घर है? हाँ साहब, यही घर है। जी सर। नाम क्या है आपका? मनीष ओझा। इसी का फोटो था? हाँ साहब, इसी का फोटो था। तुम समीर के अंतिम संस्कार में आए थे, जानते हो ना उसे? जी, दोस्त था मेरा, इसलिए गया था वहां पे। पर हुआ क्या? तो तुम्हारा दोस्त मैं मरवाना क्यों चाहता था मनीष? इंस्पेक्टर, पता चला कि समीर को किसने मारा। मनीष तुम यहां क्या कर? जायसवाल जी, आपकी बेटी अपर्णा और मनीष का पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा, और जब समीर को पता चला कि उसकी छोटी बहन अपर्णा का मनीष के साथ अफेयर चल रहा, उसे बहुत गुस्सा है। इतना ज्यादा गुस्सा कि उसने मनीष को मारने की सुपारी दे डाली। आपका मतलब है समीर इसे मारना चाहता था? तो क्या समीर को इसने और अपर्णा ने मिलकर मारा? नहीं पापा, आप ये क्या बातें कर रहे हैं, और आप सोच भी कैसे सकते हैं? आज तक जो मैं सोचता था वो सब गलत निकला। इसकी बात तो मुझे लगता है कुछ भी हो सकता है। अपर्णा, मनीष, समीर को तुम दोनों के अफेयर के बारे में कैसे पता चला? बताओ आप। जायसवाल जी, आप प्लीज बाहर वेट करिए। मैं और मनीष एक ही कंपनी में काम करते हैं सर। एक दिन भैया ने हम दोनों को साथ में देख लिया था। मेरी बात तो सुनो। और तू मेरी बहन के ऊपर नजर डाल रहा है? तेरी कैसे मेरी बहन के ऊपर नजर डालने की? तू जैसा सोच रहा वैसा नहीं है। मैं प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। प्यार करता है, शादी करना चाहता है? मेरी बात हमसे बराबरी करने की कोशिश मत कर। तेरे साथ उठ बैठ के लिए तुझे लगता है तू हमारी बराबरी के सपने देखेगा? साले आज के बाद मेरी बहन के बारे में सोचा ना तो जान से मार दूंगा। क्या भैया, क्या तमाशा लगा के रखा हुआ ये? आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? बालिक हूँ मैं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मनीष हमारी बराबरी का है या नहीं। ठीक है, तो मैं पिताजी को बता देता हूँ, वो 2 थप्पड़ में फर्क समझा देंगे। निकिता के बारे में मैं बता देती हूँ उन्हें, तुम्हारे अफेयर के बारे में सुन के तो बड़ा खुश होंगे ना। निकिता है क्या हमारे कास्ट की? तुझे निकिता के बारे में कैसे पता? सब पता है मुझे। दिन में वो इतनी बार तुम्हें कॉल करते हो, हर बार तुम अलग जाके बात करते हो। इससे बेटर यही होगा कि तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे अपनी जीने दो। समीर ने पब्लिक में तुम्हारा तमाशा बनाया, तुम्हारी पिटाई की, और ऊपर से समीर को तुम दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था, तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा। क्या इसलिए तुमने समीर को मरवाया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपर्णा से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, पर इसके लिए मैं किसी का मर्डर नहीं करूंगा। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि समीर मुझसे इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि वो मेरे नाम की सुपारी तक दे दे। दोस्त था वो मेरा सर।
करीबी दोस्त था? करीबी नहीं कह सकते, पर हम तीनों अक्सर मिलते थे, मस्ती करते थे। तीसरा कौन था? दीपक गोयल। हम दोनों साथ में कॉलेज में थे और वो समीर की कंपनी में काम करता था, उसी ने हम दोनों को मिलवाया था और बाद में हम तीनों अच्छे दोस्त बन गए। ये दीपक गोयल तुम दोनों के अफेयर के बारे में जानते? जी सर, वो एक बार मुझे समझाने भी आया था कि मैं अपर्णा से ब्रेकअप कर लूं। 23 तारीख की रात को 12 से 3 के बीच में तुम कहां थे? घर पे था सर। गवाह है कोई जो ये गवाही दे सके कि तुम वाकई घर पर थे? नहीं सर, मैं अकेला रहता हूं और मैं कह रहा हूं ना सर, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने नहीं मारा समीर को। ये समीर की प्रॉब्लम क्या थी? खुद का अफेयर था, लेकिन बहन के अफेयर से प्रॉब्लम थी। अपने ही दोस्त की सुपारी देता है और बाद में सुपारी कैंसिल कर देता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है और बाद में उसकी डेड बॉडी मिलती है। और सर, दीपक ने हमसे मनीष और अपर्णा के अफेयर और मनीष और समीर के झगड़े की बात क्यों छुपाई? बिल्कुल, ये बात मुझे भी खटक रही। बुलाओ इस दीपक को, मैं बात करता हूँ और तुम इन सबको खंगालो। दीपक, मनीष, अपर्णा, निकिता, सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। पता करो कि पिछले एक महीने में किस किस से बात हो रही थी, कहाँ कहाँ जा रहे थे और क्या क्या छुपाया जा रहा। तुमने मनीष और अपर्णा के अफेयर के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? सर, वो मुझे लगा नहीं कि समीर के गायब होने से इसका कोई वास्ता है। वास्ता है या नहीं, वो तुम हम पर छोड़ दो। तुम गए थे ना समीर के कहने पर मनीष को समझाने के अपर्णा से दूर रहे? नहीं सर, वो तो मैं खुद गया था क्योंकि मुझे समीर के लिए बुरा लग रहा था। कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार मैं ही था क्योंकि मनीष और अपर्णा मेरी वजह से मिले थे। ये उनका पर्सनल मैटर है बोल के मैं किनारे हो गया, लेकिन समीर ने मनीष की सुपारी दी थी ये बात मुझे मालूम नहीं थी। उल्टा मुझे ये लगा कि समीर ने उन दोनों का रिलेशन एक्सेप्ट कर लिया कि उसके बाद वो इस बारे में कोई बात नहीं करता था। बात इसलिए नहीं करता था क्योंकि मनीष को मारने की प्लानिंग कर रहा था। वो निकिता कुछ दिन पहले क्लिनिक में गई थी, फिट एंड केयर नर्सिंग होम में। मैटरनिटी क्लिनिक? जी हाँ, क्योंकि 15-20 दिन पहले उसका अबॉर्शन हुआ था और जिस दिन उसका अबॉर्शन हुआ था उसके साथ में एक लड़का भी आया था। फोटो दिखाया मैंने, समीर ही था। समीर, हम शादी कब करेंगे? अभी नहीं कर सकते। लेकिन उस रात उसके हिसाब से उससे गलती हो गई थी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो फिर आपने अबॉर्शन करवाया? आपकी रजामंदी थी अबॉर्शन के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने कहा कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है और बिना शादी के हमारे बच्चे को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की उससे कि मैं बच्चा रखना चाहती हूँ और उसने फ्यूचर के सपने दिखा के मुझे मना लिया। इस बार जो भी कह रहे हो सच ही बोलो, क्योंकि अगर इस बार झूठ बोला ना तो झूठ तुम पर भारी पड़ेगा। एक बात है सर, शायद वो आपके किसी काम की हो। बोलो। सर, अभी कुछ 1.5 हफ्ते पहले मैं और समीर दोनों ऑफिस के बाहर चाय पी रहे थे। पकड़ो साले को। अबे साले, बड़ा हीरो बन रहा था ना उस दिन, अब दिखा अपनी हीरोगिरी। साले तेरी वजह से नहीं, मुझसे अलग छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। जल्दी सब बराबर करूंगा तेरे से और क्षितिज दोनों से। सर, पता नहीं वो आदमी कौन था, मैंने समीर से पूछा लेकिन उसने बताया नहीं। लेकिन जो आदमी मारने आया था उसने क्षितिज का नाम लिया था। कौन है क्षितिज? समीर का दोस्त। आप बच्चा रखना चाहती थी तो शायद आपको ये यकीन होगा कि बच्चे की वजह से समीर आपसे शादी कर लेगा। दुख तो बहुत हुआ होगा, नहीं? दुख हुआ था सर, लेकिन उससे ज्यादा दुख इस बात का था कि अबॉर्शन के बाद समीर का मेरी तरफ बिहेवियर चेंज हो गया था। उसने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया था। मुझे अच्छे से दिख रहा था कि समीर बदल गया है, पर फिर भी मुझे यकीन था कि वो मुझसे प्यार करता है। 23 अक्टूबर की रात 12 से 3 के बीच आप कहाँ थी? सर, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं घर पे सो रही थी। कुछ ऐसा है जिससे साबित हो सके कि आप सच बोल रही हैं, क्योंकि उस रात तो आपका फोन भी बंद था। आप पापा से पूछ लीजिए। रात को 12 बजे तो वो भी सो रहे होंगे। आप अगर घर से निकली भी होंगी तो उन्हें कैसे पता चला? मम्मी, मैं कल से ऑफिस जा रही हूँ। सरिता, ऐसे कह दो कहीं नहीं जाएगी, देख लिया मैंने एक ऐसी नौकरी कर रही। दोनों भाई बहनें बहुत तमाशा बना दिया मेरा, पता नहीं और कितने झूठ बोले होंगे इन लोगों ने। खा मेरी कसम और बता मुझे कि तेरा कोई हाथ नहीं है समीर के इसमें। ऐसा सोच भी कैसे सकती है? भाई था वो मेरा। सर, समीर के दो क्षितिज ने जो एड्रेस दिया था हम बस वहां पहुंचने वाले हैं। ठीक है जी। सर, इस झगड़े के बारे में मुझे पता ही नहीं था,
लेकिन अब मुझे भी लग रहा है कि समीर को राजू नहीं माना होगा। राजू आपको मिला कैसे था? सर राजू एक टीचर है। सर 4 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में हमारे मम्मी और पापा की डेथ हो गई थी। सर उसकी वजह से नेहा बहुत बड़े सदमे में आ गई थी। वो अपनी पढ़ाई में भी काफ़ी पीछे आ रही थी। इसकी वजह से नेहा को कोचिंग देने के लिए राजू घर आया करता था। उसने उसे पढ़ाने के बजाय अपने झूठे प्यार में फंसा लिया और भागने का प्लान बनाया। एक बार भागकर शादी कर लेंगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सर नेहा सिर्फ 19 साल की और राजू उससे 12 साल बड़ा। प्यार का नाटक सिर्फ प्रॉपर्टी हथियाने के लिए कर रहा था। राजू शुक्ला, तुझे हिसाब बराबर करने का बहुत शौक है ना? चल अब हम तेरा हिसाब बराबर करते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। चल समझा रख ले। अरे समीर को इससे क्या लेने देना था? सर 3 महीने पहले राजू नेहा को लेकर भाग गया था। बदनामी के डर की वजह से मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहता था। तब समीर ने मेरी मदद की थी। उसने नेहा का फोन ट्रेस किया और उसकी लोकेशन का पता लगाया। चल अब बोल कैसे मारा समीर को? साथ में और कौन था? सर मैंने नहीं मारा उसे, मैं सच बोल रहा हूँ। सच तो यहाँ पे खुद से कोई बोलता ही नहीं है, सच बुलवाना पड़ता। गुंडे लेकर मारने गया था ना तू, धमकी दी थी तूने। हिसाब बराबर करेगा उसका? सर वो मैंने गुस्से में बोला था। झूठ बोलने को फायदा नहीं है। हमारे पास 23 अक्टूबर की सीसीटीवी फुटेज है। क्राइम स्पॉट पे तो साफ दिखाई दे रहा है। घर आकर हमने नेहा को बहुत समझाया था। उसने हमारी बात मान ली। उसने राजू को छोड़ दिया। पुरुषेश्वर भैया को पुलिस स्टेशन बुलाया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तब से राजू से वो कभी बात भी नहीं करती। राजू का प्लान फेल होने के लिए वो समीर को जिम्मेदार मानता है और इसी का बदला उसने लिया। 23 अक्टूबर? अब ये नाटक छोड़ और जुर्म कबूल कर ले, सजा कम हो सकती है तेरी। अरे कैसा जुर्म, कैसी सजा? सर मैं 23 तारीख को यहाँ पे था भी नहीं। मैं तो 20 तारीख को उज्जैन गया था अपनी बहन के पास, 25 को लौटा हूँ। आपको यकीन नहीं आता, पता कर लीजिए। पापा ने घर से निकलने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। अरे यार, ये तुम्हारे घर वाले ऐसे कब तक हमारे बीच में टांगड़ाते रहेंगे? पहले वो समीर था, अब तुम्हारे पापा शुरू हो गए। तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे थोड़ा टाइम दो ना, मैं करती हूँ कुछ। सर राजू सच बोल रहा है, 23 अक्टूबर को वो उज्जैन में था, उसकी बहन से बात हुई। अगर राजू हमारी लिस्ट से बाहर होता है तो बचे कौन? अपर्णा, निकिता और मनीष, इन सब के पास समीर के मर्डर का मोटिव है। सर मुझे निकिता का मोटिव ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। समीर ने निकिता को काफ़ी हर्ट किया था और प्यार में नाखुश लोग किस हद तक नहीं जाते। तमाम कोशिशों और जांच के बावजूद पुलिस के हाथ खाली थे। कुछ तो था जो पुलिस की नजरों से बचा हुआ था, लेकिन अब इस केस का रुख बदलने वाला था। पुलिस को एक ऐसी जानकारी मिलने वाली थी जो इस केस को सुलझाने में सहायक हो सकती थी। सर सबके कॉल रिकॉर्ड छान मारे, कहीं से कुछ भी नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है विपिन? कोई सुराग नहीं मिला, कहीं हमसे कुछ छूट तो नहीं ना? सलाम साहब। साहब आपसे कुछ नहीं छूटा, सब कुछ आपके सामने था कब से। मतलब आरएक्स पब जहाँ पे समीर, दीपक और मनीष मिलते थे। जी हाँ भाई, वहाँ कुछ 2 हफ्ते पहले खूब जम के झगड़ा हुआ था साहब। सर आरएक्स पब की सीसीटीवी फुटेज आ गई। दीपक तो कह रहा था सिर्फ बात करके वापस आए। अब इस दीपक से ऐसे बात नहीं होगी, डिटेल्स निकलो इसकी। इसकी सोसाइटी वालों से बात करो और पता करो कि 23 तारीख को ये कहाँ था। साहब दीपक साहब इस सोसाइटी में बहुत सालों से अपनी माँ के साथ रहते हैं। ये रही 23 तारीख की फुटेज। रात 12:30 से 3 बजे तक की पूरी फुटेज दिखाओ। साहब दीपक साहब तो दिखे नहीं रहे, उस रात वो बाहर नहीं गए होंगे। ये गाड़ी किसकी? बहुत घुमा लिया तुम लोगों ने, अब बस, वरना अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं बचोगे। समीर को सर मेरे और अपर्णा के बारे में पता चल गया, पर वो हम दोनों को अलग करने पे तुला।
सर जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने सर दीपक को समझाने के लिए भेजा। साले मनीष की हिम्मत देखो, मेरी बहन से चक्कर चलाता है, मेरी खून खोलता है मुझे उसको देखकर, और ये देखो तुझे अपने दोस्त के ऊपर हाथ उठाता है, गालियां देता है। मैं बोल रहा हूँ कुछ करना पड़ेगा इसका। तू कहना क्या चाहता है? मार डालते हैं साले को, मार डालते हैं। मैं किसी को ऑलरेडी 50,000 रुपए दे चुका हूँ सुपारी के, कैंसिल कर देते हैं, मिलकर काम करते हैं, पैसे भी बच जाएंगे। अगर प्लान मनीष को मारने का था तो समीर कैसे मारा? सर उससे 2 दिन पहले मनीष मेरे पास आया था। दीपक सॉरी यार, माफ कर दे भाई, उस दिन बहुत पी रखी थी यार, तो नशे में तुझे पता नहीं क्या क्या बोल गया। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता हूँ तेरे बारे में यार, जैसा उस दिन बोला मैंने, माफ कर देना यार। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूँगा यार, प्लीज भाई। मुझे भी तुझसे माफी मांगनी है यार, उस दिन तूने बहुत गालियां दी मुझे, इतना मारा कि मेरा सर फोड़ दिया। मैं बहुत गुस्से में था लेकिन समीर ने उसका गलत फायदा उठाया, मुझे माफ कर दे भाई प्लीज। मुझे मारने का प्लान कब का है? परसों रात का। क्यों? चल ठीक है, परसों ही सही। मनीष तेरा दिमाग तो ठीक है, तू क्या सच में? तू टेंशन मत ले, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा कर, तेरे 1,00,000 माफ, ऊपर से 50,000 और दूंगा। प्लान पहले से बना हुआ था सर, हमें एक कार की जरूरत थी बस। और कार तुमने अपने दोस्त वरुण से उधार ली? सर 23 अक्टूबर की रात को तो मैं घर पर ही था। लेकिन आपकी कार यहाँ से बाहर निकली थी, आपके पीछे वाले पार्किंग एरिया से, जहाँ पे सीसीटीवी नहीं है। हाँ सर, 500 की पार्किंग तो पीछे ही है, और मेरी कार तो मेरा दोस्त ले गया था। कौन दोस्त ले गया था कार? दीपक गोयल। क्या यार इतनी देर लगा दी, पता है कब से वेट कर रहा हूँ मैं। अब आ गया ना, सब तैयार है, बस शिकार करना बाकी है। और आज यहाँ मैं नहीं, वो यहाँ बैठ के मेरे मर्डर की कहानी आपको सुना रहा होता। खुद को बचाने का तुम्हारे पास सिर्फ यही एक उपाय नहीं था, तुम पुलिस की मदद भी ले सकते थे, पर तुमने नहीं ली। क्यों? क्योंकि खुद को बचाने के नाम पर तुम बदला लेना चाहते थे। और दीपक तुम चाहते तो ये सब रोक सकते थे, पर तुमने नहीं रोका। महज 1,50,000 के लालच में तुम भी इसका हिस्सा बन गए और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। सर मैंने जो कुछ भी किया अपने प्यार को पाने के लिए किया, इसमें गलत किया? प्यार करना गलत नहीं है, तरीका गलत है। तुमने अपने प्यार को हासिल करने के लिए जो तरीका अपनाया ना, उससे एक बात तय है, तुम्हें तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिलेगा। मनीष आहूजा और दीपक पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए गए। अपर्णा ये जानकर बहुत सदमे में है कि वो जिसे इतना प्यार करती थी उसी मनीष ने उसके भाई समीर की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। मोहन और सरिता भी सदमे में थे कि समीर ने मनीष को मारने का प्लान बनाया। ये केस शिकारी और शिकार का एक ऐसा खेल था जिसमें शिकारी खुद शिकार बन गया। जहां एक तरफ समीर ने अपनी निजी नफरत को परिवार की आन का मुद्दा बना दिया था, वहीं दूसरी तरफ मनीष ने पलटवार में समीर को मारने की साजिश रची थी। पर इस जुनून का अंजाम क्या हुआ? कई जिंदगियां बर्बाद हुई, समीर ने अपनी जान गंवाई, मनीष ने अपना प्यार खोया और दीपक ने अपना भविष्य। हर मुश्किल का हल होता है, हर समस्या को बैठकर सुलझाया जा सकता है। माँ बाप को भी ये समझना पड़ेगा कि बच्चे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि बच्चे गलत फैसला ही लें। अगर फैसला गलत होता भी है तो बच्चों को समझाकर सही दिशा दी जा सकती है, लेकिन फैसला बड़ों की देखरेख में ही सही, बच्चों को ही लेने दें। ऐसा करके ना सिर्फ हम अपने बच्चों को एक जिम्मेदार बल्कि एक सतर्क नागरिक बनने में भी मदद करेंगे। 2 दिसंबर से देखिए क्राइम पेट्रोल सतर्क एक नए समय पर, सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ सोनी टीवी पर। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।